के ऐसे लगता है कि बस थोड़ी देर में बर्फ़ ही गिरने वाली है। और सर्दियों में तो यहाँ बहुत बुरे हाल होते हैं, बहुत 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 बर्फ़ गिरती है। हमारे सारे जैकेट, हमारी गर्म सॉक्स और स्वेटर, हुड, गर्म बेडशीट्स, गर्म कंबल, रजाई, सब कुछ निकल चुका है आज। ये है व्यू अभी का, ऊपर भी क्लाउड्स है। ये हमारा मूड है जो बिल्कुल ठंडा है। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम शालू है और मैं बिल्कुल मस्त चकाचक नहीं हूँ, क्योंकि मैं कल शाम से ही बीमार हूँ। मुझे बहुत एसिडिटी हो रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम एकदम से ही बदल चुका है। सो आज मैं बिल्कुल मस्त चकाचक नहीं हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ। मुझे हो गई है एसिडिटी, तो सुबह से लेकर मैंने इतनी गोलियाँ खा ली है, इतने चूरन, चार पांच प्रकार के मम्मी ने मेरे को चूरन खिला लिए। तो अभी 10:30 हुए, अब जाके मैं थोड़ी ठीक हुई हूँ, नहीं तो मैंने इस वीडियो इतना एडिट मारा है, क्योंकि मेरे को कंटिन्यूसली थकान आ रही थी। तो अभी मैं बहुत एडिट मार मार के इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो सुबह उठी मैं तो एकदम से दर्द हो रही थी, तो मैं आपको ये मौसम भी नहीं दिखा पाई। अभी मैं आपको ये मौसम दिखाने की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि ये मौसम एकदम से ही चेंज हो गया और इतनी ठंडी हवा चल रही है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो ऐसा मौसम होता है तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। तो मैं आपको बस ये चारों तरफ का मौसम दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि इतनी ठंड हो चुकी है यहाँ पर। तो शुरू 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 करते हैं आज के ब्लॉग को। जैसे ही मैंने वीडियो पॉज की, जैसे ही मैं बोलना बंद किया, वैसे ही हवा भी चुप हो गई, हवा चलना भी बंद हो गई। तो अभी एकदम से फ्लो आएगा और दोबारा से हवा चलने लगेंगी। अभी रुकना, 1, 2, 3 गो। इतनी हवा चल रही है, इतनी हवा, रुक जा। 3 hours later So, अभी मेरी STD जो है वो काफ़ी ठीक हो चुकी है, तो इसलिए मैं आपको अभी चारों तरफ का व्यू दिखाने वाली हूँ। तो अभी सुबह उठी थी मैं तो बहुत दर्द हो रही थी, अभी थोड़ी ठीक हो चुकी है। तो ना मुँह धोया है, ना ब्रश किया है, नहाना तो छोड़ ही दो, इतनी ठंड में कौन आएगा। सो अभी दिखाती हूँ चारों तरफ का व्यू, क्योंकि बादल ही बादल है, क्लाउडी क्लाउड है। सो पहले इस तरफ का व्यू दिखाती हूँ, फिर घर के सामने का व्यू दिखाऊंगी। तो पहले इस तरफ का व्यू देख लेते हैं। ये है बादल बादल बादल, जिसकी वजह से हो गई है बहुत ज़्यादा ठंड। तो ये है इस तरफ का व्यू। तो ये रहा आपके सामने कुफरी, ये रहा फागू, और जो फागू आएगा और जो फागू में रहना चाहता है, फागू के साथ बिल्कुल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा रेड रेड, यहाँ पर बहुत 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 सारे क्या बोलते हैं उसको, फार्म हाउस है और रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है, बहुत कुछ है यहाँ पर। तो आप यहाँ, ये फागू है, फागू से थोड़ा आगे जाकर आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। बाकी प्राइस प्राइस का मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि यहाँ पर जो है वो कॉटेज कूटेज टाइप का कुछ है, बाकी आप यहाँ पर प्राइस प्राइस का पता कर लेना आके। बाकी इस तरफ ये है गल्लू, ये कुफरी है यहाँ पर। तो इस तरफ आपको दिख रहा होगा ये मशोबरा है, और ये यहाँ पर ये दिख रहा होगा ये शिमला है सारा। अब मैं लेके जाती हूँ आपको घर के सामने, जहाँ पर घर के सामने चोटियाँ है, उसके पीछे और चोटियाँ है, तो वहाँ पर हुई है स्नोफॉल। तो अभी तो बादल की वजह से दिख नहीं रही है, बाकी जब बादल हट जाएंगे फिर दिख जाएंगी। तो ये दिखाती हूँ अब घर के सामने का व्यू आपको।
सो ये है मेरे घर के सामने का व्यू। तो अभी सुबह से थोड़ी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बिल्कुल बूंदाबांदी सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की सी, जिसकी वजह से आज हम घास काटने भी नहीं गए हैं, क्योंकि घास गीला हो जाता है तो सड़ जाता है, इसलिए जब भी मौसम साफ़ होता है हम तभी घास काटते हैं। तो ये रही वो इन पहाड़ियों के पीछे की चोटियाँ जो हल्की हल्की दिख रही होंगी। यहाँ पर रही है स्नोफॉल, अभी तो क्लाउड्स हैं इसलिए दिख रही है। सो ये रहा चारों तरफ का व्यू, और अभी लग रही है मुझे बहुत ठंड और मेरे हाथ भी बिल्कुल जम चुके हैं क्योंकि यहाँ मौसम ख़राब होता है तो एकदम से ठंड हो जाती है। इतनी ठंड, इतनी ठंड कि ऐसे लगता है कि बस थोड़ी देर में बर्फ़ ही गिरने वाली है, और सर्दियों में तो यहाँ बहुत बुरे हाल होते हैं, बहुत 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 बर्फ़ गिरती है तो फिर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी बिल्कुल सर्दी वाली फीलिंग आ रही है। सो अभी मैं जाती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, मुँह धोती हूँ, ब्रश करती हूँ बाकी। और यहाँ पर सुबह से बारिश हो रही है, जब मैंने सुबह वीडियो बनाई थी इतना तूफान आ रहा था, तो अब यहाँ पर बारिश हो रही है सुबह से लेकर, और सामने हुई है बहुत ख़तरनाक वाली स्नोफॉल। अभी थोड़ी थोड़ी क्लाउड्स की वजह से दिख नहीं रही है, और ये हल्के हल्के क्लाउड्स जो आए हैं ये। सो अभी बारिश की वजह से ठंड थोड़ी कम हुई है, थोड़ी मीन्स कि 10% सिर्फ कम हुई है, बाकी तो अभी मौसम ठंडा ही ठंडा है। और मेरी एसिडिटी भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है अब, नहीं तो सुबह तो इतने बुरे हाल हो गए थे। जब मेरे को एसिडिटी होती है, मतलब जब मैं कुछ खा लेती हूँ जैसे राजमा, तेल वाली चीज़ें, मोमोज और कुछ भी फास्ट फूड खा लेती हूँ, एकदम से एसिडिटी हो जाती है। तो मम्मी मेरी एसिडिटी से बहुत परेशान है, मैं खुद भी बहुत परेशान हूँ। सो अभी अच्छा लग रहा है मौसम, ठंड थोड़ी कम हो चुकी है, और हमारे सारे जैकेट, हमारी गर्म सॉक्स और स्वेटर, हुड, गर्म बेडशीट्स, गर्म कंबल, रजाई, सब कुछ निकल चुका है आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो चुकी है आज। मतलब ठंड तो पहले भी थी पर आज कुछ भयंकर ही हो गई है, क्योंकि आज भी बारिश बोली है और कल भी बारिश बोली है, जिसकी वजह से सारा, मतलब जैसे सर्दी वाला जो, मतलब हमारा मोस्टली नवंबर के एंड में शुरू होती है जो ख़तरनाक वाली सर्दी, मार्च अप्रैल 15 अप्रैल तक, तो वो वाला सारा पैकिंग निकल चुकी है बाहर। 15 दिसंबर के बाद बहुत 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 सारी स्नो पड़ेगी, फिर आपको ये सारी पीछे वाली चोटियाँ बिल्कुल वाइट देखने को मिलेगी, फिर आपको मैं सारी तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाऊंगी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 4 महीने में। तो आप बिल्कुल अभी से जुड़ जाए चैनल के साथ, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि हम और भी अच्छे से कनेक्ट होते रहे। सो गाइज, आफ्टर 2 डेज, मतलब 2 दिन के बाद आज बारिश रुकी है, और ये वेदर आप मेरे पीछे देख सकते हो, मतलब 2 दिन से इतनी ख़तरनाक बारिश हो रही है यहाँ पर। सो फाइनली अभी शाम के 5 बजे और थोड़ी बहुत धूप निकली है, तो ये रहा मेरे पीछे का वेदर। तो एक बार बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ मैं। सो ये अभी सनसेट हो रहा है, जिसकी लाइट ऐसी ऊपर की तरफ आई है, तो ये क्लाउड्स इतने सुंदर लग रहे हैं। तुम कहाँ जा रही है? ये है व्यू अभी का, ऊपर भी क्लाउड्स है, और ठंड तो मैं आपको बता ही नहीं सकती कितनी ज़्यादा ठंड है, बहुत 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 बुरे हाल है, ठंडी ठंड, ठंडी ठंड, क्योंकि अभी यहाँ साथ वाले हिल्स पे बहुत स्नोफॉल हुई है। सुबह से अब निकल रहे हैं लोग गाड़ियों में क्योंकि इतनी बारिश हो रही थी, बहुत स्किड वाला हो गया था सड़क भी। सो ये अभी वेदर के हाल ऐसे हैं, हल्के हल्के क्लाउड तो अभी भी है, बाकी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है, मतलब 80% तक, और ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब अभी यहाँ से मैं, मतलब अपनी आँखों से देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, फ़ोन में इतना ज़्यादा सुंदर नहीं आ रहा होगा पर बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत खूबसूरत ये दृश्य, और इस तरफ का भी
Yes, excuse. Namaste ji. I don't know. Yes. मैं कौन बता विष्णु उस तरफ की उस तरफ अभी मेरे हाथ हो चुके हैं बिल्कुल ठंडे और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है सो अब चलते हैं चूल्हे के पास क्योंकि बहुत ठंड है ये हमारा मूड है जो बिल्कुल ठंडा है चल 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 सो ये रही वो बर्फ की चोटियाँ जिसकी मैं कल बात कर रही थी तो ये पूरी यहाँ से लेकर उधर से लेकर पूरी उधर तक पूरी वाइट हो गई है और वहाँ से इतनी ठंडी हवा आती है जिसकी वजह से यहाँ हमारी इतनी ठंड होती है कि मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर